और चलिए अब बात करेंगे सत्ता के सेमीफाइनल की, जहां बीजेपी का ग्रामीण क्षेत्र में जनाधार कमजोर हो रहा है। पंचायत चुनावों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को कई जिलों में हार का सामना करना पड़ा है और बीजेपी नेताओं के बीच आपसी टकराव भी इसका एक कारण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी ने पिछले 15 सालों में बड़ा जनाधार खड़ा किया था। इस बार के पंचायत चुनाव में बीजेपी के इस वोट बैंक को झटका लगा है। इसकी एक बड़ी वजह दलीय आधार पर चुनाव न होने से एक ही क्षेत्र से कई बीजेपी नेताओं का चुनावी मैदान में उतरना भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि सिंगरौली में जिला पंचायत के 11 वार्डों में से 10 वार्डों में कांग्रेस समर्थितों को जीत मिली है। बालाघाट में 27 जिला पंचायत सदस्यों में से 14 पर कांग्रेस समर्थितों को जीत मिली है। बालाघाट में 6 बीजेपी जिला पंचायत सदस्यों को जीत मिली है, तो वहीं 6 पर निर्दलीय और 1 पर गोंगपा समर्थक को जीत मिली है। भोपाल में जिला पंचायत में 5 वार्डों में कांग्रेस समर्थितों को जीत मिली है, तो वहीं 2 पर बीजेपी समर्थित और 2 पर अन्य को जीत मिली है। छिंदवाड़ा, सीहोर, देवास, मंदसौर में भी कांग्रेस समर्थितों का दबदबा रहा है। मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 के चुनाव के अंदर बता दिया था कि उन्हें भाजपा नहीं चाहिए। साम दाम दंड भेद से दोबारा आए थे 2020 में जनता के जनादेश का अपमान करके। अब जनता ने साफ तौर के ऊपर दोबारा पंचायत चुनाव लोकल बॉडी इलेक्शंस में ये बता दिया है कि जनता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को आशीर्वाद दे रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पार्टी पंचायत हो या नगरीय निकाय चुनाव, सभी चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी जगह चुनाव जीत रही है। जनता का अपार स्नेह और अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और इसलिए चुनाव के लिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी मतदाता मतदान करने जरूर जाए, पहले मतदान बाद में जलपान। बीजेपी नेताओं की गुटबाजी इस बार पंचायत चुनाव में घातक साबित हुई है। दरअसल नेताओं ने सामंजस्य बैठाने की जगह अपने समर्थकों को चुनाव में उतार दिया और शायद यही वजह है कि कई जगहों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को जीत मिली है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।